दोस्तानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं रामपुर, और रामपुर में आ चुके हैं हम चाकू मार्केट, जो कि सबसे हमारे चाकू मार्केट और चाकू मार्केट में चाकू की दुकान पे आ चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा पुरानी दुकान है रामपुर की। तो गाइस मिलवाते हैं आपको भैया से। सर आपका नाम क्या है? सर का नाम है शहजाद। तो सर एक चीज़ ये पूछना है, वैसे तो रामपुर का काफ़ी नाम है हर चीज़ों में अलग अलग, और रामपुरी चाकू तो बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले तो ये बताइए आप, आपकी शॉप कितनी पुरानी है? मेरी शॉप तो मेरे दादा की टाइम। अच्छा, मतलब लगभग 100 साल के आसपास। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे यहाँ पे। अच्छा, ये वैसे रामपुरी चाकू है, तो आप मुझे कुछ ऐसे दिखाओ, ताकि मैंने वैसे एक चीज़ ये भी सुनी है कि लोहा छील के भी दिखाता है रामपुरी चाकू। रामपुर का जो हमारा जो लोकल बना हुआ है ना, उसके अंदर जो ब्लेड पड़ता है ना, वो रेती का ब्लेड होता है, वो लोहे को भी काटते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ मशीन से भी बनते हैं, कुछ हाथ से भी बनते हैं। मशीन से भी बनने लगे, पहले हाथ से बनते थे, मशीन से भी बनते। तो ये अपने जो चाकू बनते हैं अपने आप ही बनाते हो सारा? जी जी। तो अभी दिखाओगे कुछ? वैसे तो बहुत सारा माल लगा हुआ है, कुछ ऐसा दिखा दिया जो भाई नहीं देखे हो किसी को? रामपुर लिखा हुआ है ना, वो दिखा। तो देखो ये है ओरिजिनल रामपुरी, ये ओरिजिनल रामपुरी चाकू है भाई, सबसे पुराना यही है। तो इसे एक बार बंद करना, मैं खुद से खोल के देखूंगा अपने हाथ से। अच्छा, और ये अच्छा, इसको इसको नीचे करना है। ये प्रेस कीजिए, ये भागेगा तो हाथ ना, मैं एक हाथ से पकड़ लूँगा ना। बात ये है इसको ऐसे प्रेस कीजिए, और इसको ही प्रेस करके बंद होगा, और प्रेस करके ही खुलेगा। और एक हाथ से भी आप इसको बंद कर, प्रेस करके बंद हो जाएगा, प्रेस करके खुल जाएगा। ये सीख गए भाई, सीख गए। ये रामपुरी चाकू असली वाला, ओरिजिनल रामपुरी यही है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर ये रामपुर मेंशन किया हुआ है, ये अच्छा ये रामपुर है, ये नक्काशी की हुई है, ये सब हाथ से काम किया हुआ है सारा, ये हाथ से काम होता है। अच्छा अच्छा। इसके बैक साइड में ये भी सब, ये पत्ती वत्ती जो बनी है सारा हाथ का काम होता है, हाथ का बना। इसका इसका मतलब प्राइस क्या होगा? ये प्राइस देखिए अलग अलग प्राइस होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है 500 रुपये से लेके और 2500 रुपये तक की होती है। 500 रुपये से 500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक, वो फिर साइज़ के ऊपर भी होता है कि अगर साइज ये आपका जो साइज है 12 इंच का साइज। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा, बड़ा बनवाना चाहते हैं और बड़ा बनवाना चाहते हैं तो बन जाता है, और बड़ा भी बन जाता है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड साइज है, वो सबसे ज़्यादा यही साइज चलता है। हाँ यही चलता है, एक ही होता है। ये पक्का होगा, ये भी ये आपका फाइल का रेती का है। अच्छा ये रेती का। अच्छा यही वाला है वो जो जी जी। हाँ, और ये जो लोहे को काटता है, ये वैसे काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन असली रामपुरी वो है। जी जी, ओरिजिनल जो हाथ का है ना, हैंडमेड है वो ही है। अच्छा, तो इनका सबका कॉस्ट तो अलग अलग होगी ना? जी अलग अलग प्राइस होता है। और ये गनमन भी जी गन्हा है ना, लाइसेंस कराना पड़ता नहीं? कोई नहीं, ये एयर पिस्टल है।
अच्छा, एयर पिस्टल है, इस पर लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हो बेहतरीन से चाकू है, और इसके अलावा हाँ और मिल जाएंगे और डिजाइन। दूसरा रामपुरी आता है इसमें, इसमें वाला इसमें हाँ है सिल्वर वाला होगा। भाई ये देखो ये एक एक और है, ये पिक्चर में इस्तेमाल किया है, पिक्चर वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भाई ये देख सकते हो ये दूसरा रामपुरी है। वैसे तो रामपुर के सारे चाकू फेमस है, लेकिन भाई ये एल्युमिनियम में हैंडल, एल्युमिनियम हैंडल में है ये, आगे जो ब्लेड है ये मेटल है, ये आयरन का है। अच्छा, और ये भी बहुत पुराना है। अच्छा, एक बार बंद करना इसको, मैं खोलता हूँ। ये बंद करके दिखाओ चलिए। तो गाइस आप देख सकते हो तमाम चाकू इनके पास मिलेंगे, गन वगैरह भी मिलेंगे। तो एक बार एड्रेस आप बता सकते हो रामपुर में, जैसे शॉप कहाँ पे? मेरी दुकान है आपका बाजार नसरुल्ला खान। हाँ, बाजार नसरुल्ला खान से स्ट्रेट आएंगे तो चाकू बाजार है। अच्छा अच्छा, डिस्प्ले में अच्छी लगती है। तो गाइज इनके पास में एयर गन है, तो ये देख सकते हो एयर गन, अलग अलग तरीके की एयर गन है। तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है इसकी? हाँ, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। इसमें 1.77 टन पर जो पैलेट आता है वो लगता है। अच्छा, चिड़ी बड़ी बहाने काम में आती है। कशन के लिए भी रख सकते हो अपने पास। हाँ, कशन के लिए सही रहेगा। बहुत सारी वैरायटी है इसकी। इसके क्या प्राइस रहते हैं? इनके भी अलग अलग प्राइस रहते हैं। जैसे ये वाला है, ये आपका 1300 रुपये का आएगा। ठीक है, और बॉन्ड कंपनी के जो आते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं। अच्छा, एक ये है, एक ये है। तो ये अपने यहाँ नहीं बनते होंगे ना? नहीं, तो बाहर से आते हैं। ये बाहर से आते हैं, ये 2000 का होता है, ये 2000 का है, ये 2000 का, ये 1300 रुपये। अच्छा, ये तो वैसे जैसे ऑनलाइन का ज़्यादातर ज़माना है, तो क्या चाकू या फिर ये दोनों चाकू की वो कैसे होती है? तो उसके लिए मतलब क्या, कैसे कॉन्टैक्ट? आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें डिस्क्रिप्शन में, नंबर डाल। तो गाइज अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो जैसे ऑनलाइन का ज़्यादातर ज़माना ऑनलाइन का, अगर कोई एक और चाकू दिखाते हैं हम आपको। ये तो गाइज भाई ने निकाला ही, और भाई ये कुकरी है भाई, कुकरी। अच्छा, चाकू नहीं कहेंगे इसको, कुकरी कहेंगे भाई। ये देखो कुकरी है। तो ये देखो इसका कुछ प्राइस का कुछ, ये भाई 2000 रुपये, ये 2000 रुपये की, और आप देख सकते हो ये चमक रही है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फुल साइज है, 16 इंच का साइज, 16 इंच का साइज है भाई, ये देख सकते हो। ये देखो कॉपर में है, ये कहना जस्ट। अच्छा, कॉपर में। और एक जो होगी कहना, ये वाली है कुकरी होगी। अच्छा, 1500 रुपये की है। अच्छा, ये बहुत खतरनाक है, ये भी इसका पक्का बिलेट। अच्छा, ये इससे बड़ी है, 16 इंच की है ये भी, 16 इंच की। अच्छा अच्छा, ये अरेबियन कुकरी है, वो नेपाली कुकरी। अच्छा, ये अरेबियन है, ये नेपाली कुकरी है, देख सकते हो। और भार भी खतरनाक लग रही है। ये दिखाई होंगे पंच। अच्छा, जिसे कहते हैं घूसा। अच्छा, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज ऐसे लगता है ना ये। हाँ, तो मेरी एक उंगली बच गई है। ये गाइस देखो, डेकोरेशन के लिए आप यहाँ से ले जा सकते हैं आराम से, सब कुछ हल्की है, मतलब ये एक तरीके शो पीस वॉल हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हो आप इसे। और ये है फैजान भाई हमारे, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे, बेसिकली कारीगरी में इनका काफ़ी हाथ रहता है, और अच्छा काम करते हैं ये। यहीं रहते हो ना? प्रॉपर रामपुर ही। उसका ब्लेड कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? गुप्ती। गुप्ती खेती, जैसे टेने वगैरह जा रहा है तो अपने हाथ में रख ली। अच्छा, इस पे धार, इस पे भी नहीं होगा, ये भी बिना धार का होगा। इसका रेंज, इसकी रेट पे ये भी अच्छी होगी पक्की। अच्छा फैजान भाई, इसका प्राइस क्या होगा? 850 रुपये की। अच्छा, कौन सी वाली? अच्छा, ये वाली 850 की, वो छोटी वाली। ये है रेती की, ये हाथ की बनी हुई होती है, वो मशीन की, ये पड़ेगी आपको 750 रुपये की। अच्छा, वो 650 या 750। छोटी भी आती है इसे, वर्जन छोटा भी है इसका, छोटी भी है इसे ना, वो 650 की छोटा साइज। ये बहुत बड़ी आइटम लगा, 850
आप हुनर हाट में भी लगाओगे ना इसको? हाँ, पिछले आप अच्छा साढ़े आठ साढ़े सात बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई शुक्रिया। रामपुर की निशानी दुकान चाकू मार्केट कहते हैं इस इलाके को, दुकान नंबर 11। अच्छा अच्छा निशानी है रामपुर की। ये गाइस ओरिजिनल रामपुर चाकू, रामपुरी चाकू है। लोग सिस्टम दोनों तरफ से। अच्छा अच्छा दोनों तरफ से लोग कभी पक्का होगा। अच्छा धार कभी खराब नहीं होगी। अच्छा बटन दबाओ अंदर अच्छा लग रहा है। मार मत देना हाथ में विकास भाई। ये दिखा दिए जो होगा फौलाद फौलाद फुल हैंडल है नीचे तलक निकले वाले। अच्छा 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 आप लोहे से जीत लेना कभी धार की खराब नहीं होगी। जैसी है इसका ब्लेड वैसी रहेगा। अच्छा नीचे तलक इसकी दूसरी खासियत ये है नीचे तलक ब्लेड से निकलने का कोई सवाल नहीं। ये यहाँ से आगे नीचे तलक के ही चाकू का पुराना सेट है। अच्छा जो नवाब के जमाने से पुराना जो भी ये अभी सबसे ज़्यादा पुराना। अच्छा इनके साथ कितने का है भाई? ये पड़ेगा आपको 1050 का पीतल का रेती का ब्लेड होगा। कभी ना इसका ब्लेड खराब होगा जैसी है वैसी रहेगा। बहुत ही खूबसूरत बनाई बहुत ही प्यारा बना। ये इसका बड़ा दिखा दी कुछ इसका बड़ा भी लगा हुआ हमारे रोहन भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल बनाने में। इसका इसका तो ये बड़ा वाला पीस है। ये भी गिफ्ट पीस है ना, ये गिफ्ट में दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा बना है। कॉन्टेक्ट नंबर आपका ये है इसको चाकू और नीचे मोबाइल नंबर भाई का नंबर है। किसी चीज़ की भी आपको लिंक भेज दूंगा। तो भाई ये आती है नसरुल्ला बाजार को, जो ये वाली जो रास्ता है ये रोड निकल जाता है नसरुल्ला बाज़ार कोतवाली गंज को, और इधर है इधर लाइब्रेरी निकल जाती है अपनी लाइब्रेरी और जमा मस्जिद इस साइड, और ये वाला भी घूम के राजा लाइब्रेरी पहुंची जाएगा। और यहीं पर भैया की दुकान है जो कि बबलू भाई ताले वाले के नाम से दुकान है, रामपुरी चाकू जो कि फेमस है यहाँ के बहुत ही ज़्यादा।